Happy anniversary, mama, papa. Happy anniversary. First day. We are going to enjoy breakfast clay, and then we are off to Gulmarg. Happy anniversary, mama, papa. Thank you, baby. Thank you, baby. ब्रेकफास्ट में है बनानाज एंड ऑरेंजेस, इडली सांभर, छोले भटूरे एंड सैंडविचेस. उसके अलावा बॉयल्ड एग है एंड ब्रेड, बटर ब्रेड एंड कश्मीरी स्पेशल ब्रेड. अगर आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, वी आर बेसिकली इन कश्मीर टू सेलिब्रेट आवर 10th एनिवर्सरी. एंड अगर इसका प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखेगा व्हेन वी अराइव्ड इन श्रीनगर. चलो आज चलते हैं गुलमर्ग. पानी में दे रहे बेटा, ये गरम करके बटर लगा के खाते हैं. तो बच्चों के लिए जैम लाइए. मुझे भी बटर चाहिए. जैम के साथ खाओगी बटर के साथ? बटर ओके. खा चूहे और अच्छा जाने, मुझे अच्छा लग रहा है. चम्मच और आप दंदे का ब्रश करोगे फिर तो आपको एक दिन में ही मिल जाएगी टर्न. और सेम लिफ्ट के बटन दबाने के टर्न्स की बात हो रही है. अभी रुको, वेट वेट वेट, यहां में रुको, वेट आ रहे वेट आपको रुको. एक्साइटेड? यस एक्साइटेड. यस आई थिंक इस पूरे ट्रिप का ये सबसे लाइक हम लोग इस चीज क्लब ज्यादा गंडोला गंडोला राइड. गंडोला राइड नो गुलमर्ग नो स्नोमैन मम्मा गुलमर्ग इज मोर स्नो स्नो फाइट. चलो 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 फेज 1 रुको रुको पहले को आने दो. ये दबाना ये दबाना. रुको रुको सबको आने दो पहले. श्रीनगर से गुलमर्ग अराउंड 2 hours लगते हैं बाय कार. सो इट्स बेस्ट कि आप थोड़ा अर्ली निकलो बिकॉज गुलमर्ग में आफ्टर सनसेट इट गेट्स रियली रियली कोल्ड. एंड वहाँ जो गंडोला राइड है वो 5:00 एंड 5:30 मैक्सिमम तक ही चलती है, तो आपको उससे पहले नीचे उतरना ही होता है. सो इट इज़ बेस्ट टू लीव ऑन टाइम फ्रॉम श्रीनगर. हम लोग निकल गए थे अराउंड 10 ताकि हम लोग 12 के आसपास पहुंच जाए गुलमर्ग. इसके बाद पाकिस्तान 86 किलोमीटर. गुलमर्ग के लिए एक रास्ता कटता है जिसके राइट साइड में आप जाओ तो आप उरी गांव पहुंचते हो जो इंडिया का लास्ट गांव है बिफोर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर. सो आपको वहां पे मतलब ऐसा इतना पास नहीं है कि आपको लिटरली वो गांव दिखे, तो उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. बट इट वॉज काइंड ऑफ कूल टू सी कि हाँ इतना ही पास हम आ गए हैं पाकिस्तान के. जैसे जैसे आप गुलमर्ग के पास पहुंचने लगते हैं जो आपका रोड है वो थोड़ा माउंटेनी हो जाता है एंड आपको दूर से स्नो क्लैड माउंटेन्स दिखने लगते हैं जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है. इट लाइक दिल्ली में रहते हुए आपको ऑब्वियसली स्नो नहीं दिखती है, तो जब स्नो क्लैड माउंटेन्स दिखते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं. गुलमर्ग से जस्ट पहले पड़ता है तंगमर्ग. वहाँ पर आपको रेंट पे स्नो बूट्स एंड कोट्स मिल जाएंगे आराम से. सो डोंट बॉदर कि दिल्ली से आप बहुत एक्सपेंसिव वाले खरीद के लाओ. वी डिड एंड अप बाइंग फ्रॉम डिकैथलॉन. वो सारी चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली हमारे बाद में भी काम आ जाएंगी, बट आई वुड एडवाइस कि अच्छे वार्म कपड़े ज़रूर पहन के आओ. बट तंगमर्ग से स्नो बूट्स एंड उनके स्नो जैकेट्स भी रेंट पे ले लो. सो राइट नाउ ऑल ऑफ अस आर वेयरिंग 3 layers. हम लोगों ने एक अंदर थर्मल पहना है, उसके ऊपर एक लाइट स्वेटर पहना है और उसके ऊपर ये स्नो जैकेट्स पहनी है जो -degrees में वर्क करती हैं. इसके अलावा मैंने और बच्चों ने इनकी भी जैकेट ऊपर से डाल ली थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि हम में से किसी को किसी भी तरीके की ठंड ना लगे. हमने अपने जूते उतार दिए थे और स्नो बूट्स पहन लिए थे. वरुण और मेरे जो जूते थे वो स्नो शूज़ ही थे, बट इट वॉज बेटर टू वेयर देयर स्नो बूट्स क्योंकि स्नो जो होती है ना वो आप काफ़ी आपके नीज तक आती है. अभी फ्रेश स्नो गिरी हुई थी तो अच्छी बात हुई कि हमने स्नो बूट्स पहन लिए ताकि हमारे कपड़े पूरे गीले नहीं हुए एंड हम लोग प्रोटेक्टेड रहे. इनके पास बच्चों के भी साइजेस होते हैं. ग्लव्स हाउएवर स्नो ग्लव्स मेरे पास और वरुण के पास थे, आर्यवीर के हमें वहाँ से खरीदने पड़े. ईशानवी के साइज़ के स्नो ग्लव्स नहीं मिल रहे थे वहाँ पे. सो अगर आपका बच्चा 3 या 4 का है तो आई वुड एडवाइस कहीं से गुड फिटेड स्नो ग्लव्स लेके जाइए क्योंकि ईशानवी काफ़ी परेशान हुई थी जब उसके ग्लव्स फिट नहीं हो रहे थे. तो स्नो के लिए कम्प्लीटली रेडी होके हम निकल लिए थे तंगमर्ग से. तंगमर्ग से गुलमर्ग जाने में अराउंड 30 to 45 minutes लगता है बाय कार.
हमने एक गाइड भी कर लिया था, वरुण का मेन पॉइंट था कि गाइड करने का, कि यार फोटोज वोटोज अच्छी खिंच जाएंगी, कोई एक पर्सन हो जाएगा साथ में. सो दैट वॉज आर रीजन फॉर गेटिंग अ गाइड, वरना ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर गाइड लेने की. तो वी वर ऑफ एंड थोड़ी सी आपको गुलमर्ग की हिस्ट्री बता देती हूँ वाइल वी आर ऑन आर वे. गुलमर्ग वॉज ओरिजिनली कॉल्ड गौरी मार्ग, क्योंकि वहाँ पे एक शिव जी और पार्वती जी का मंदिर है, जो जब यूसुफ शाह ने 16th सेंचुरी में अटैक किया था तब तोड़ दिया था. उसके बाद से इस जगह को बोला जाता है गुलमर्ग. इट्स कॉल्ड गुलमर्ग बिकॉज इट मीन्स मेडोज ऑफ फ्लावर्स. यहाँ पे 21 डिफरेंट वराइटीज ऑफ फ्लावर्स हुआ करते थे. एंड इवन नाउ इन समर्स लाइक बहुत कहते हैं बहुत सुंदर लगता है समर्स में. अभी तो हम लोग विंटर्स में जा रहे हैं, ऑटम में जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू डेफिनेटली सी स्नो. आप ऑलरेडी देख रहे हो साइड में, देखो वाइट वाइट स्नो दिखनी शुरू हो गई है. हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे जैसे ही थोड़ी थोड़ी स्नो दिखनी शुरू हो गई थी. एंड बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे. ईशान भी इट वॉज सो गॉट सो इम्पेशेंट, शी वॉज लाइक कब खेलेंगे कब खेलेंगे. वी आर लाइक वेट करो अभी ऊपर जाने दो फिर खेलेंगे आराम से. ये जो पहाड़ी देख रहे हो ना सर, ये पहाड़ी का नाम है सनशाइन पीक. अच्छा, जब भी सुबह सन का किरण पड़ता है पहले इसके ऊपर पड़ता है सर. अरे जनवरी फरवरी में जाना पड़ता है हेलीपैड से. अच्छा, हिली स्कीइंग के लिए सर. ठीक है, वहाँ पे हिली स्कीइंग रहता है सर. और आप गुलमर्ग का पहला यू पॉइंट है. गुलमर्ग के अंदर 3 यू पॉइंट आते हैं अलग अलग दिशा में. जी सर, ये थोड़ा फोग है. 2 मिनट रोक लेना यार यहाँ पे. नहीं नहीं, पहले ऊपर चलते हैं सर. ऊपर चले हाँ, फिर वापसी में रोकते हैं. हमको इसी रूट से आना है. ये फोटो जगह बहुत बढ़िया है. हाँ, इस वक्त भीड़ है यहाँ पे. पहले हम केबल कार जाएंगे. अच्छा, उसके बाद सब कुछ. चलो ये कवर करवा देना ये पॉइंट भी. जी सर, आपको मैं 2 यू पॉइंट का कवर करवा. अरे वीर, वो जो आप पहाड़ी देख रहे हो गया हिमालय. हाँ हाँ जी सर, बीच में आता है पूरा कश्मीर. ये थोड़ा फोग है, नहीं जैसे प्लेट में खाना होता है वैसा आपको पूरा कश्मीर यहाँ से दिखेगा. पहुंच गए हैं हम लोग गुलमर्ग एंड अब जा रहे हैं जहाँ पे गंडोला राइड पे बैठ के फेज 1 में जाएंगे. सुपर डुपर एक्साइटेड. स्नो बूट्स पहन लिए हैं, स्नो जैकेट्स पहन लिए हैं, सनग्लासेस लगा लिए हैं. ग्लव्स अभी नहीं लगाए, इतनी ठंड नहीं हो रही, पर मज़ा आएगा बहुत. जो गंडोला राइड है वो स्टार्ट होती है अराउंड 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पार्किंग लॉट. पार्किंग लॉट से गंडोला राइड तक जाने के लिए आपके पास आप या तो वॉकिंग जा सकते हैं, या पोनी पे जा सकते हैं, या ATV पे जा सकते हैं, या लोकल कैब से जा सकते हैं. हम लोग वॉकिंग ही जा रहे थे क्योंकि 1 किलोमीटर बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता. एंड आसपास का जो सीनिक व्यू था वो इतना ज़्यादा अमेजिंग था कि आराम आराम से चल के वो भी इंजॉय करना था हमें. आई डेफिनेटली फील कि हम लोग ये जो नीचे वाला पोर्शन था लाइक गंडोला राइड से पहले जो अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, जो पार्किंग लॉट के बगल में इतना वास्ट एरिया था, यहाँ पे आई फील हम लोग को थोड़ा सा और टाइम मिलता तो अच्छा होता. वी लाइक 2 दिन गुलमर्ग में डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट इट. शानवी, हम जल्दी चलना था क्योंकि गंडोला की जो लाइन है वो बहुत लंबी हो जाती है, तो उस वजह से शानवी का हमने पोनी करा दिया था ताकि हम जल्दी जल्दी जा सकें. शानवी हाय कर दो, पापा को हाय कर दो. गंडोला के जो टिकट्स हैं वो ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है. एंड आई वुड हाईली एडवाइस आप पहले से प्री बुक करके ही जाए वहाँ पे, बिकॉज हमारा ड्राइवर बता रहा था कि अगर आपके पास नहीं भी है टिकट्स तो भी वहाँ पे लोग होते हैं जो टिकट ब्लैक कर रहे होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा महंगा बेच रहे होते हैं. एक टिकट आई थिंक अराउंड 700-800 के आसपास का था, बट अगर आप यहाँ पे लाइक ऐसे ब्लैक में खरीदना चाहो तो 2-3 हज़ार का आता है. एंड ऑब्वियसली इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन खरीदो, लीगली खरीदो कोई चीज़, क्योंकि अगर आप पकड़े जाओगे तो उसमें और पंगे फर्दर होते हैं. लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, सो इस टाइम पे मुझे लग रहा था कि अगर थोड़ा और जल्दी हम लोग होटल से निकलते हैं और जल्दी आते तो थोड़ा और शायद मज़ा आता हमें. सो वी लाइक अराउंड 20-25 मिनट्स हम इस लाइन में लग गए थे जब तक हमारी टर्न नहीं आई थी. जब गंडोला आता है तो वो रुकता नहीं है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है कि स्लो इनफ कि आप आराम से ऊपर चढ़ पाओ. बट ऑब्वियसली अगर आपके पास बच्चे हैं सामान है तो थोड़ा सा
दिक्कत आती है। ऑल्सो काफ़ी सारे लोग लाइन कट करने की कोशिश करते हैं, तो ये अपने मेक श्योर टू लाइक एंड मेंटेन कि ये हमारी टर्न है, ये हमारा गंडोला है। गंडोला में घुसते ही शानवी थोड़ी सी क्रैंकी थी बिकॉज उसको भूख लग रही थी, तो उसको मैंने जल्दी से एक लॉलीपॉप दे दी थी। जब भी बच्चों के साथ मैं ट्रैवल करती हूँ आई ऑलवेज हैव अ फ्यू लॉलीपॉप्स और चॉकलेट्स इन माई बैग, जो मैं तभी देती हूँ जब आई रियली वॉन्ट देम टू लाइक बी हैप्पी इमीजिएटली एंड लाइक हम एटलीस्ट इन्जॉय कर सके। तो जैसे इस वाला टाइम था, हमें गंडोला राइड इन्जॉय करनी थी, तो एंड वो भूखी थी और क्रैंकी हो रही थी एंड आई हैड नो अदर ऑप्शन, सो आई गेव हर अ लिटिल लॉलीपॉप एंड फिर हमने इन्जॉय की गंडोला राइड। ये काफ़ी ऊपर तक जाता है एंड द व्यू इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। चलो आप भी देखो हमारे साथ ये ब्यूटिफुल व्यू। तो थोड़ा सा ब्रेक मिला है, कितना सही जगह पे तो शेपर्ड हाउसेस सबने लग गए शादी उधर लॉलीपॉप वरुण मेकिंग कंटेंट। अरेवीर हाय अरेवीर, अच्छा लग रहा है आपको अरेवीर? हाँ, कितना सुंदर है इस साइड। हमारी गंडोला बीच में 2-3 मिनट के लिए रुक गई थी एंड इतनी सुंदर जगह पे रुकी थी, देयर वर शेपर्ड हाउसेस ऑल अराउंड अस। शेपर्ड हाउसेस बेसिकली एज द नेम सजेस्ट शेपर्ड्स के घर होते हैं, यहाँ पे शीप चलाने वाले रहते हैं समर्स में, बट विंटर्स में वो नीचे चले जाते हैं क्योंकि स्नो इतनी ज़्यादा होती है कि ऑब्वियसली यहाँ पे रहाया नहीं जाता। लुक एट हाउ ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग दिस लुक्स, लाइक ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि दिस प्लेस इज रियल। हाँ, स्कूल में पढ़ाते थे ना नंगा पर्वत। नंगा पर्वत क्योंकि वो नंगू होता है इसलिए वो नंगू पर नंगा पर्वत वाइट रहता है। वाइट देखो बहुत सारे शेपर्ड होंगे क्योंकि पूरे पहाड़ के ऊपर से है। देखो एनिमल्स के फुटप्रिंट्स भी है। हाँ, ये एनिमल्स के रहते हैं ना, स्नो लेपर्ड रहता है, भालू रहता है। पीछे से आप देखो पहाड़ों का व्यू बहुत ही सुंदर। वेलकम टू कुंगंडोरी। पहुंच गए, पहुंच गए। ये आ गया हमारा गंडोला। गुलमर्ग फेज वन में काफी सारी एक्टिविटीज है फॉर यू टू डू। स्लेजिंग कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं, एटीवी राइड कर सकते हैं एंड आई वुड सजेस्ट कि वहां जाने से पहले आप पहले से प्री डिसाइड करके जाओ कि आपको क्या करना है। सब कुछ थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है, हमारे 10,000 खर्च हो गए थे इजीली यहाँ पे। हमने सिर्फ स्लेजिंग की थी एंड चारों लोगों की थी, सो मेक श्योर यू हैव इनफ कैश एंड ऑल द बार्गेनिंग होती है बट काफ़ी ज़्यादा इनका यूनियन का काम भी चलता है, सो नॉट अ लॉट ऑफ बार्गेनिंग वर्क्स हियर। सो हमने 3 स्लेज की थी, बच्चों के लिए एक और हम दोनों के लिए, बिकॉज इन लोगों ने हमें कहा था कि ये हमें स्लेज से ले जाएंगे ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल फ्रेश स्नो पड़ी हुई है, अनटच्ड है, वी वुड बी लाइक द फर्स्ट पीपल स्टेपिंग इनटू दैट स्नो। तो ऑब्वियसली ऐसी जगह जाने के लिए तो हमें करनी ही थी स्लेज। वहाँ हम वॉक करके भी जा सकते थे बट क्योंकि हमारे पास छोटे बच्चे थे इट मेड मोर सेंस कि हम स्लेज करके जाएं। भैया मैं तो गिरूं नहीं, गिरेगा। जिसकी मस्ती जिंदा हो समझो उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। इधर देखो मैडम, अभी ठीक है ना, ये मजे वाला और बार काम होगा। हाँ ये मैं मार दूँ। फ्रेंड्स करो मुझे कॉल।
उसको उसको कर दो मैं तो चल लूंगी। वो फंस गया है। इधर से आ जा, निकल के आओ बेटा, डरो नहीं, डरो नहीं। सॉलिड हंस रहा है, अनटच्ड स्नो। सही किया, आ गए हैं, नीचे नहीं गए इनके चक्कर में। नीचे तो कुछ है भी नहीं, और नीचे तो मज़ा भी नहीं आएगा। मज़ा तो इसी चीज़ का है ना शानू? क्या पी रही है शानवी? हॉट चॉकलेट एंड फ्रेंच फ्राइज। पापा मेरे लिए भी हॉट चॉकलेट मंगवाई है। आपने चाय मंगवाई है ना पी? मैंने अदरक वाली मैंने मंगवाई है। हॉट चॉकलेट बड़ी अच्छी लग रही है बच्चों के भी सप्ले के लिए। और हमने मिक्स पकौड़े मंगवाए। लंच टाइम हो रहा है बट ऊपर तो यही सब मिलता है, छोटा फुटर मैगी भी खाएंगे बाद में, क्योंकि ठंडे माउंटेन्स में आओ और मैगी ना खाओ है ना, खानी चाहिए ना। हाँ अरे वीर कारी वीर को भी पता है चीज मैगी भी है। चीज मैगी नहीं खाएंगे देखो, नॉर्मल। मुझे पता है, मुझे पता है, नॉर्मल मैगी विदाउट वेजिटेबल्स, क्योंकि पापा ने प्लेन बोला था। ओके पहाड़ों वाली मैगी, पहाड़ों वाली मैगी। हमारे खाते खाते सनसेट हो गया था, 4 o'clock हो रहे थे। एंड जैसे ही सन माउंटेन के पीछे गया, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी, तो हमने तुरंत गंडोला राइड की। हम लोग लाइन में लग गए एंड सही टाइम पे लगे, 4 बजे लगे थे। और जब तक हमारी टर्न आई थी अराउंड 30 मिनट हो चुका था, काफ़ी लंबी लाइन थी। एंड वी वर फाइनली गोइंग बैक, बट उससे पहले हमें लेना था एक केक। वी फाउंड दिस बेकरी ऑन द वे आउट, और पेस्ट्री, और ये आपका लोकल बकर खानी। ये क्या वो नून चाय के साथ? आप लोग ज्यादा ये चाय के साथ ही खाते हैं? वैसे भी खाते हैं? नहीं नहीं, सूखा नहीं खा पाते। अच्छा, नून चाय के साथ ही चल जाता है। अच्छा, सब फ्रेश लग रहा है बिल्कुल आपका एकदम। ये कौन सा केक है? ये हम ऐसे लिप्टन चाय के साथ पीते हैं। अच्छा, सिंपल केक, सिंपल यूजुअली, मतलब नॉर्मल यूज़ में। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। वापसी के रास्ते में शानवी मेरी गोदी में सो गई थी, तो बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया। ये मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको, उरी का जो रास्ता कटता है, इट्स 85 और आई थिंक 86 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस स्पेस। कोकोनट का भी टेस्ट है इसमें, बहुत बढ़िया। मैम हम सब केक खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, चिल कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं अपने डब्बे एट अरुण हैज पेस्ट्रीज फॉर अस टू कट एनिवर्सरी। अब बच्चे में कुछ लाइक वाइल्ड वाइल्ड बेबीज, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी टू टू, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। कौन सा गाना ये की है? बच्चे को
And that's it. That is the end of our day. But it is not the end of our trip. अभी तो बहुत सारी मस्ती बाकी है. श्रीनगर घूमना बाकी है. पहलगाम घूमना बाकी है. So keep on watching and subscribe if you haven't already. And आपको मिलती हूँ next vlog में. और previous वाला नहीं देखा तो वो भी जल्दी से देख लो. सारे के सारे कश्मीर vlogs सिर्फ आपके लिए. Bye.